साल 2000 में रिलीज हुई फिल्म मोहब्बतें उस दौर की सबसे शानदार फिल्मों में से एक थी। अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के अलावा इस फिल्म में 6 और नए एक्टर नजर आए, लेकिन इन सब के बीच भी एक चेहरे ने लोगों का ऐसा ध्यान खींचा कि ये उस दौर का क्रश बन गया। अपनी पहली ही फिल्म से प्रीति झिंगियानी हर लड़के का ख्वाब बन गई थी। उनकी मासूमियत और खूबसूरती ने लोगों को दीवाना बना दिया था। बाजारों में उनके बड़े बड़े पोस्टर बिका करते थे और तब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती थी। लेकिन आज वही प्रीति झिंगियानी जब सालों बाद इस हाल में लोगों के सामने आई तो उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो गया है। 41 साल की प्रीति झिंगियानी उम्र से कहीं ज्यादा की लगने लगी हैं। प्रीति झिंगियानी ने अपने करियर की शुरुआत साल 1997 में एल्बम ये है प्रेम से की थी। आपको इस एल्बम का गाना छुई मुई से तुम लगती हो जरूर याद होगा। तब लोगों ने प्रीति झिंगियानी को पहली बार टेलीविजन पर देखा था। इसके बाद मोहब्बतें में देखकर लोग प्रीति से प्यार कर बैठे थे। मोहब्बतें के बाद प्रीति आवारा पागल दीवाना में दिखी, लेकिन इसी फिल्म से उनका चार्म कम हो गया। शायद इन दोनों फिल्मों के अलावा प्रीति को लोगों ने किसी और फिल्म में ठीक तरह से नोटिस भी नहीं किया होगा। इसके बाद तो प्रीति का करियर धक्के के सहारे चलता रहा, लेकिन वो लोगों के बीच मोहब्बतें जैसी पहचान नहीं बना पाई। बुरे करियर के बीच साल 2008 में प्रीति ने एक्टर प्रवीण डवास से शादी कर ली। इस बात पर यकीन करना भी मुश्किल है कि जिन प्रीति झिंगियानी के उस दौर में लोग आशिक बनकर घूमा करते थे, आज उनके बारे में कोई बात तक नहीं करता। सालों से लोगों ने उन्हें देखा तक नहीं है। प्रीति ने न्यूज़ 18 को दिए इंटरव्यू में बताया कि वो फिल्मों में फिर से वापसी करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें कोई ठीक ठाक किरदार मिले। फिलहाल जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दें कि प्रीति फिल्म इंडस्ट्री से आज भी दूर नहीं हुई हैं। उनका खुद का प्रोडक्शन हाउस है जो बड़े बड़े इवेंट्स करवाता है। इसके अलावा उन्होंने कुछ फिल्मों भी प्रोड्यूस की हैं। इसके साथ ही प्रीति प्रो पंजा लीग की प्रमोटर हैं, जिसके खिलाड़ी विदेशों में पंजा लड़ाने जाते हैं और ये गेम विदेशों में खूब पॉपुलर है। प्रीति का बड़ा बिजनेस है, लेकिन वो पर्दे के पीछे ही है। फिलहाल इस वक्त प्रीति की ये कुछ तस्वीरें अचानक सामने आई हैं, जिसमें उन्हें पहचानना तक मुश्किल हो गया है। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए। और ज़्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पे चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए।